सुप्रभात दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के नए ब्लॉग में। एक नए सुबह के साथ मैं आ चुका हूँ बंजारी मंदिर। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस मंदिर और मंदिर के सारे देवी देवताओं से रूबरू कराने जा रहा हूँ। साथ ही मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि ये मंदिर कितने बड़े आकार में है, यहाँ पे कौन कौन से देवी देवता हैं, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं और ये किस स्थान पर निर्मित है। मैं आपको आज की इस वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आज के हमारे इस ब्लॉग के साथ। आपको ये भी बता दूँ कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो इस मंदिर के बारे में बिल्कुल जानते हैं। चलिए अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और आप देख सकते हैं ये देखने में बिल्कुल शीश महल टाइप का लगता है और लिटरली ये है भी। अगर आप इसको सामने से जब भी देखेंगे ना तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि हम शीश महल में ही आ चुके हैं, क्योंकि ये जो मंदिर बना हुआ है ना दोस्तों, ये कांच के टुकड़े से बना हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये कांच के टुकड़े से जोड़ जोड़ कर इस मंदिर को बनाया गया है और आप देख ही सकते हैं कि इस मंदिर में कितनी चमक धमक है, कितनी लाइटिंग है। मैं जब अंदर गया तो मैं बहुत खुश हो गया। मैं आपको दिखा दूं सामने से, ये बंजारी मैया जी हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ में नहीं हो रहते तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से इनका दर्शन कर सकते हैं। ऊपर में देख रहे हैं जो ब्लू लाइट के ऊपर में मैं आपको भी ये चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं गौर से जय माता दी लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरा सॉरी, गलती बोल दिया मैंने, जय बंजारी माँ लिखा हुआ है, जय माँ बंजारी। ये चीज़ बहुत खूबसूरत लगती है यहाँ की, जो कांच के टुकड़ों को जोड़ करके बनाया गया। ये देखिए आप लक्ष्मी जी को देख रहे हैं सामने से, ये माता लक्ष्मी है, ये काली माता जी और शंकर भगवान जी का मूर्त बनाया गया। ये मैं भी आपको और चूज़ दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ हैं। मैं अभी मंदिर के पीछे हूँ, मतलब बंजारी मैया के पीछे एक दीवार है और दीवार के ऊपर कांच के टुकड़ों को जोड़ करके माता दुर्गा का चित्र बनाया गया। ऊपर में भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, और ऊपर आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कलाकारी की गई है निर्माताओं के द्वारा। और वो कहते हैं ना, किसी चीज़ का शुरुआत करो तो गणेश भगवान से शुरुआत करनी चाहिए, तो गणेश भगवान से शुरुआत किया हमने। ऐसे कई सारी मूर्ति थी वहाँ पे जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ वीडियोज़ के माध्यम से, आप देख सकते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं कि कौन कौन से भगवान जी हैं ये, बट हाँ इन सब का मैंने वीडियो बना लिया ताकि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ अपने वीडियो के माध्यम से कि जो जो छत्तीसगढ़ में नहीं है, जो जो रायगढ़ ज़िले के अंतर्गत में नहीं है, वो हमारे वीडियो के माध्यम से ये चीज़ देख सकें कि एक छत्तीसगढ़ में बहुत पॉपुलर मंदिर है जिसका नाम है बंजारी मंदिर। चीज़ मैं आपको बता दूं, आप जो कॉर्नर में वाइट कलर की चीज़ देख रहे हैं ना, वो एसी है और वो हमारे लिए ही लगाया गया, हमारे सुविधाजनक के लिए कि जो लोग पूजा करने आए मंदिर में थोड़ा बैठ जाएँ और रिलैक्स हो जाएं बैठ करके, इसलिए लगाई गई है। सरस्वती माता हैं, मैंने जानबूझ के इनकी थोड़ी देर तक फ़ोटोज़ ली। ये हमारी विद्यादायिनी माता हैं और अब यहाँ से हम जा रहे हैं हवन कुंड की तरफ। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं अभी वीडियोज़ में, ये हवन कुंड है जो नवरात्रि में चलाया जाता है। देखने के बाद बाजू में ही राधा कृष्ण की मूर्त थी, राम सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्त थी, प्लस में एक और भगवान थे जिनको मैंने ध्यान नहीं दिया। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्त है। इसके बाद फिर हमारे राम सीता लक्ष्मण भगवान और हमारे प्यारे से मुरली बजैया कृष्ण कन्हैया। दोस्तों मैं कैमरा ऊपर की तरफ कर रहा था, मुझे लगा कि ये कृष्ण कन्हैया है, कहीं इनके ऊपर माखन माखन थोड़ी लगा है। हम चल पड़े शिव मंदिर की ओर। शिव मंदिर में हमने दर्शन किया, जैसे पुजारी जी से हमने बात भी किया, बगल में हनुमान जी की भी मूर्त थी, भगवान जी की भी मंदिर थी। फिर वहाँ पे पता नहीं क्यों प्लास्टिक लगा हुआ था तो हम देख नहीं पाए, उनका दर्शन हम कर नहीं पाए, मुझे मालूम नहीं। फिर आगे हम चल पड़े, यहाँ पे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ पार्क वगैरह, और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है ऊपर। इस मंदिर का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है दोस्तों, अभी और ऊँचा बनाया जाएगा इस मंदिर का, अभी तो निर्माण हो ही रहा है इस मंदिर का, आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन का काम इसमें जारी है, कंटिन्यू है काम, इस मंदिर को और बड़ा करने का काम चल रहा है अभी। फिर अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी एक सामने तालाब भी है, ये आप देख सकते हैं हमारे विष्णु भगवान जी। ये पार्क में कई सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लगती है यहाँ पे। ये भी देख सकते हैं आप देखिए
बहुत खूबसूरत होता है। मैं आपसे विनती करूंगा एक बार आप ज़रूर हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में आकर बंजारी मैया का मंदिर का दर्शन ज़रूर करें। फिर मैंने छोटा छोटा वीडियो रिकॉर्डिंग किया। फिर इसके बाद मैं अभी आपको एक और चीज़ दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये भीष्म पितामह है जो अर्जुन ने मारा था तीर उनको, वो भी हमारे कन्हैया जी के उपदेश पे। अभी मैं आपको एक और विचित्र चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि वो है क्या चीज़। आखिर वो जो देवी दिख रही है जो वो कौन है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। मैं बिल्कुल उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता। उसके बाद फिर मैं सोचा समझा बिल्कुल नहीं, मैं आगे बढ़ गया। फिर मैंने देखा यह तालाब है यहाँ पर। मैं आपको बता दूँ ये जो आप तालाब देख रहे हैं ना सामने, मेरा यकीन नहीं करेंगे आप, जैसा हमारे भारत देश का नक्शा है ना, हमारे नक्शे के ऊपर इस तालाब को डिज़ाइन किया गया है बिल्कुल। अगर मेरे पास ड्रोन होता तो मैं आपको दिखा देता। और इस तालाब में बहुत सारी मछलियां हैं वो भी रंग बिरंगी। जी हाँ, ये फिर आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। अगर ये आपको वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा तो देख कर ना छोड़ें। जय माँ बंजारी, जय श्री कृष्ण, जरूर लिखें। धन्यवाद।